हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडी एंड सब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम वीडियो पार्ट वन में हमने बात की थी रीथिंकिंग इंग्लिश की, उसमें एक छोटी सी गलती हुई थी, उसको सुधार लीजिएगा। ये जो रीथिंकिंग इंग्लिश एसेज इन लिटरेचर लैंग्वेज हिस्ट्री, ये इट इज़ एन एंथोलॉजी, ANTHOLOGY, इट इज़ एन एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट राइटिंग्स बाई डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है। तो ये एक कलेक्शन है, मैंने गलती से बोल दिया था कि ये बद्री रैना का लिखा हुआ है। बद्री रैना उसके एक कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, आई मीन कई सारे ऑथर्स के एसेज हैं उसमें, और बद्री रैना उनमें से एक हैं, ठीक है। इसको एडिट किया है स्वाति जोशी ने। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय एकेडमिक्स, मोस्ट ऑफ होम टीच इंग्लिश इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो जो लोग इसमें कंट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने जिनकी राइटिंग्स इसमें पब्लिश हुई हैं, वो लोग ज़्यादातर इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। एक्सप्लोर्स द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, और इन लोग का मेन जो कंसर्न है उसमें इंग्लिश स्टडीज़ इंडिया में, उसकी क्या उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको वो डील करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। चलिए, आज बात थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ी बात थियरीज़ की होगी, थियरीज़ की दुनिया में आने की होगी, और अब देखेंगे कैसे थियरीज़ के आने से टीचिंग ऑफ इंग्लिश पर काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होते या आपने ग्रेजुएशन में क्लासेस की हों, तो आपको मालूम होगा कि थियरीज़ की वैल्यू क्या है। हालांकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन लेवल तक बहुत थियरीज़ होती हैं नहीं। द इनोवेशन ऑफ थियरी एंड TELI, यानी टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। इनोवेशन, देखिए वर्ड समझिए, इनोवेशन क्या होता है। जैसे इतिहास की बात करें तो भारत में कहा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, तो उसने इन्वेड किया था। उसी तरह से महमूद गजनवी, उसने इन्वेड किया था, तो इन्वेजन। तो थियरी का क्या इन्वेजन है, उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ा इंग्लिश टीचिंग में, उसकी बात हम करेंगे। सिंस द लेट 80s एंड अर्ली 90s, लिटरेरी थियरी बिगैन टू इन्फ्लुएंस टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। 80s 90s की बात, यानी 1980s 1990s की बात हो रही है, क्योंकि 1980 तक, पिछले वीडियो में हमने बताया कि कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा या न्यू कॉलोनियल एरा जो है, तब तक क्या था, कुछ मेन कंसर्न जो थे सोसाइटी के, तब तक वो कंसर्न में नहीं आए थे, उस पर लोगों ने ध्यान देना शुरू नहीं किया था, लिटरेचर में उसकी बातें नहीं की जा रही थी। लेकिन 1980s 1990s आते आते क्या हुआ, कई तरह की थियोरीज आईं, और उनका ओरिजिन अलग अलग जगह रहा, विल टॉक अबाउट इट। तो उससे क्या हुआ, काफ़ी प्रभाव पड़ा इंग्लिश टीचिंग पर इंडिया में। द सबअल्टर्न वॉइसेस बिगैन टू बी हर्ड। सबअल्टर्न बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है, सबअल्टर्न। सबअल्टर्न थियोरी नाम सुना है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का, सबअल्टर्न थियोरी के लिए जानी जाती हैं वो। भाई नाम जानिए, इनको जानिए, थियोरीज जानिए, अगर नेट के भी आप इच्छुक हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि सबअल्टर्न वॉइसेस, यानी वो आवाज़ें जो दबा दी जाती थी पहले, जिनको कंसिडर नहीं किया जाता था, जिनको सुना नहीं जाता था, अब वो आवाज़ें सुनी जाने लगी। मार्जिनैलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज
ऑलमोस्ट बिगैन टू बी फोर ग्राउंडेड इन एकेडमिक डिस्कशन. मार्जिनैलिटी यानी जो लोग हाशिए पर थे, जो इश्यूज, जो मुद्दे हाशिए पर थे, जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड सोसाइटी के उस समय थे, अब वो भी एकेडमिक डिस्कशन में शामिल होने लगे. आई मीन जब कोई इंटेलेक्चुअल गैदरिंग हो रही थी उस समय 1980s 1990s में, सेमिनार वगैरह हो रहे थे, सिंपोजियम वगैरह हो रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, तो उस समय ये मुद्दे भी कंसीडर किए जाने लगे. इन मुद्दों पर भी बातें होनी शुरू हो गईं. ठीक है. मच ऑफ द थियोरेटिकल इनपुट केम नॉट फ्रॉम ब्रिटेन बट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, फ्रांस, द यूएस एंड रशिया. थियोरेटिकल इनपुट यानी जो तमाम तरह की जो थियोरीज फ्लरिश हुई उस समय. इंटरेस्टिंग बात है कि एक समय ब्रिटेन या ब्रिटिश लिटरेचर, ऑब्वियसली वो हब माना जाता है, लिटरेचर का हब माना जाता था ब्रिटेन. लेकिन जब बात थियोरीज की करेंगे तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर थियोरीज जो है वो कहाँ से निकल करके आई, ब्रिटेन से निकल करके नहीं आई बल्कि नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर यानी बात कॉन्टिनेंट की हो रही है. फ्रांस, यूएस एंड रशिया. ठीक है. जैसे न्यू क्रिटिसिज्म की बात करें, उसकी शुरुआत हम देखते हैं अमेरिका से हो रही है, यूएस से हो रही है. बात हम करेंगे रशिया की, तो उसमें हम देखते हैं मिखाइल बख्तिन, एक बहुत बड़ा नाम है डिस्कोर्स डायलॉजिक इमेजिनेशन लिखने वाले मिखाइल बख्तिन, डिस्कोर्स ऑफ द नॉवेल की बात जो करते हैं. फ्रांस से कई तरह के थियोरीज निकल करके आई. इवन और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप थियोरीज के फील्ड में, तो आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल रिसेंट की अगर बात करें तो जर्मनी का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है थियोरीज के फील्ड में. ब्रिटेन थोड़ा सा पीछे रह गया है इन चीज़ों में. तो ये थियोरीज मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से थियोरीज फ्लरिश होनी शुरू हुई और वो धीरे धीरे इंडिया भी पहुँची. इंडिया में भी चीज़ें उस हिसाब से, उस एंगल से देखी जाने लगी. तो ऑब्वियस है कि टीचिंग का लेवल बदलेगा, टीचिंग की स्ट्रेटजी बदलेगी, टीचिंग का एक्सपेक्टेशन बदलेगा. थियोरी ग्रेटली हेल्प्ड टू लिबरेट टैली फ्रॉम द शैकल्स ऑफ ए हिस्टोरिकल मायोपिक न्यू क्रिटिकल रीडिंग्स. कह रहा है कि जो थियोरीज आ गईं तो लोगों ने समझना शुरू किया कि उन्हें कैसे नया पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना है, कैसे नए एंगल से चीज़ों को देखना है. तो ए हिस्टोरिकल और मायोपिक जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा, उससे उसकी बेड़ियां तोड़ दी गई, उसके शैकल्स क्रैक कर दिए गए. ए हिस्टोरिकल क्या होता है? ए हिस्टोरिकल का मतलब नॉट कंसर्न्ड विद हिस्ट्री. जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे पैराडाइज लॉस्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ तो लोग ये समझ नहीं सके कि ये कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है, सो दैट लोग ओबीडियंट बनना सीखें. यानी जो भी लिटरेचर है उसको कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री से आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब पॉलिटिक्स की जाती है, जब लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसको उन चीज़ों को हिस्ट्री से अलग करके दिखाने का प्रयास किया जाता है. वही है ए हिस्टोरिकल. तो अंग्रेज़ों की जो कोशिश थी, ब्रिटिशर्स की जो कोशिश थी कि एक ए हिस्टोरिकल अप्रोच रहे, वो अब ख़त्म होने लगा. अब चीज़ों को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाने लगा, उसको उनके कॉन्टेक्स्ट में रख करके देखा जाने लगा. उसी तरह से जो मायोपिक न्यू क्रिटिकल रीडिंग थी, उससे भी मुक्त हुए यहाँ के लोग टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करने वाले. ये मायोपिक क्या होता है? नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली दैट आर फार अवे. इसमें ये होता है कि आपको केवल सामने की चीज़ नज़र आएगी, बहुत दूर की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी. इसका मतलब दूरदर्शिता का अभाव है ना. तो लिटरेचर तो आपको और दूरदर्शी बनाता है, ना कि वो आपको और आपकी थिंकिंग को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड करता है, और ज़्यादा लिमिटेड करता है. लिटरेचर का मतलब ये नहीं है.
लिटरेचर का मतलब तो वो भी है कि आप इमेजिनेशन के थ्रू आप वहाँ तक चीज़ों को भी देख लें जो एक आम इंसान नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। तो लिटरेचर ऑब्वियसली इज देयर टू ब्रॉडन योर माइंड, टू ब्रॉडन योर थिंकिंग स्किल, टू ब्रॉडन योर इमेजिनेशन। तो ये समझा जाने लगा जब थियोरीज आई, जब थियोरीज आई तो क्या हुआ ना, चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखा जाने लगा। आप आश्चर्य करेंगे जब आप थियोरीज पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे, अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ये भी होता है क्या, ये भी हो सकता है क्या। सो सेवरल इंटरप्रिटेशंस यू नो कैन अराइज विद द हेल्प ऑफ दोज एप्लीकेशंस ऑफ द थियोरीज। ठीक है, कॉन्टिनेंटल थियोरी एंड फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स हैव reinvigorated the study of literature in Western academy as well. Continental theory, yani ab aisa nahi raha ki jo propaganda jo shuru kiya tha colonizers ne apne imperialistic point of view se, bas usi ke angle se cheezein ab nahi dekhi ja rahi thi, ab jab unko decode kiya jane laga, samjha jane laga, to दुनिया के अलग अलग कोनों से थियोरीज आई। तो कॉन्टिनेंटल थियोरी, फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें वेस्टर्न के एकेडेमिया में भी इनका प्रभाव पड़ा, वहाँ पर भी चीज़ों को देखने समझने का तरीका बदला। चूँकि देखिए ऑब्वियस है कि हम समटाइम्स एजुकेशंस के थ्रू लोगों के अंदर कुछ प्रेजुडिस डाल सकते हैं, लोगों को हम लोगों का ब्रेन वॉश करके एक पर्टिकुलर वे में उनके अंदर थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं कि वो वही सोचे जो हम चाहते हैं कि वो सोचे। लेकिन उसमें भी आप जानते हैं हर जगह रोमांटिक पीपल हैं। रोमांटिक पीपल का मतलब वो जो एक बंधे रास्ते पर नहीं चलता, जो अपनी एक अलग एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखता है। तो चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कहीं का देश हो, वहाँ का युवा हो, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपने पूर्वजों, अपने अग्रजों, अपने जो उसके लीडर्स हैं उन्हीं के हिसाब से वो सोचे। वो अपनी अलग थिंकिंग भी रख सकता है। और ऑब्वियस है कि जब दुनिया के अलग अलग कोने में थियरीज डेवलप होंगी, वो अगर हर जगह पहुंच रही हैं तो ब्रिटेन और यूरोप के और हिस्से में भी पहुंचेंगी, वहाँ पर भी लोगों को सोचने के लिए विवश करेंगी। वो लोग भले ही न सोचें जो सोचना ही नहीं चाहते, लेकिन वो लोग ज़रूर सोचेंगे जिनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम दीज कॉन्टेक्स्ट्स, अ रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस स्टडीज इन द प्रेजेंट फॉर्म इन आर कंट्री हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाई एन अटेंशन टू इश्यूज सच एज लैंग्वेज पॉलिटिक्स, द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन एट्सेट्रा। कह रहा है कि इन सारी चीज़ों को अगर छोड़ें तो हमारे देश में ये वो दौर था जब एक रेडिकल रीथिंकिंग शुरू हुई, हमने चीज़ों को एक नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया, हमने लैंग्वेज पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की, हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया। तो यहाँ पर भी अभी जो इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया का जो कंडीशन अभी देश में है, उसका कह लीजिए कि बीज बोया गया उसी समय 1980s के दौरान। इन द सदर्न स्टेट्स इंग्लिश हैज़ बीन रिसीव्ड एज अ लेसर एविल एज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी। देखिए एक अलग ही मुद्दा है ये। सदर्न स्टेट्स, भारत के जो साउथ के स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, कह रहा है कि इन राज्यों ने इंग्लिश को ज़्यादा तरजीह दी इन कंपैरिजन टू हिंदी के। उनको लगा कि उनके ऊपर हिंदी थोपी जाए उससे बेहतर है वो इंग्लिश को अपना लें। तो उनकी नज़र में इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगा उन्हें, उनके टेस्ट के हिसाब से लगा। हिंदी में उनकी रुचि नहीं थी, वो नहीं चाहते थे
कि उनकी भाषा के ऊपर हिंदी थोपी जाए, तो उन्होंने बल्कि स्वीकार किया कि इससे बेहतर है कि हम इंग्लिश पर ध्यान दें। तो इस हिसाब से, और यह है बिल्कुल सही बात, अभी भी आप देखेंगे साउथ इंडिया में इंग्लिश को लेकर के एक अलग रुझान है। अगर बात करें हम अपने उत्तर भारत की, तो इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य ऐसे हैं जो कि बदनाम ही हैं, जहाँ पर लोगों को इंग्लिश आती भी है तो वो उस ढंग से नहीं बोल पाते जो एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन साउथ इंडिया, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा देखा गया है कि साउथ इंडिया में लोगों की इंग्लिश इन कंपेरिजन टू नॉर्दर्न इंडिया बेहतर होती है। तो उसके पीछे का रीज़न एक ये भी है, ठीक है। इन द एरा ऑफ द इंटरनेट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज इज रिमार्केबली फास्ट। देख रहे हैं हम, इंटरनेट का दौर है। डिसेमिनेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, मतलब होता है टू डिस्पर्स थ्रू आउट, यानी जो प्रसार हो रहा है, जो फैलाव हो रहा है नॉलेज का। इंटरनेट के एरा में सब कुछ अवेलेबल है, वेबसाइट्स पर तमाम वेबसाइट्स वर्क कर रही हैं, नॉलेज स्प्रेड कर रही हैं, तो ऑब्वियस है कि काफ़ी फास्ट रेट से नॉलेज स्प्रेड हो रहा है। और एक बड़ी चीज़ जो हुई, एंड एक्सेस टू लेटेस्ट पब्लिकेशंस, जो नए नए प्रकाशन हैं उनका एक्सेस संभव हो सका है, स्पेशली वेबसाइट्स के थ्रू। अगर आप वो पत्रिकाएं जो है नहीं खरीदना चाहते हैं, उसकी हार्ड कॉपी नहीं पाना चाहते हैं, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो लेटेस्ट पब्लिकेशन जो हुए हैं उनका एक्सेस काफ़ी अच्छे से संभव हो चुका है इंटरनेट के दौर में। थियोरेटिकल पोजीशंस, जो तमाम थियोरीज अलग अलग कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में डेवलप हो रही हैं, उसको लोग जान पा रहे हैं। एंड वेस्टर्न एकेडमिक प्रिफरेंसेस, और वेस्टर्न यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ये सारी बातें अब इंडिया तक पहुंच रही हैं, इंडिया के एकेडमिया में पहुंच रही हैं, लोग जान रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है अभी। तो ये टेक्नोलॉजी के दौर में ही काफ़ी आसान हो चुका है, नहीं तो एक दौर वो भी था कि घर में कोई शादी पड़ी हो या घर का कोई बंदा गुजर गया तो पता चले कि उसका सारा ओकेज़न जब बीत गया तब चिट्ठी पहुंचती है सामने वाले के पास, और वो आता है तो पता चलता है कि यहाँ पर सब सब कुछ पूरा हो चुका है। तो वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर, जब विद इन सेकेंड्स दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है हमें पता चल जाता है। तो उसी तरह से ऑब्वियस है कि एकेडमिया के फील्ड में, एकेडमिया के डोमेन में भी काफ़ी एक वास्ट चेंजेस, कह लीजिए एक मेटामॉर्फोसिस हुई है। और हाँ, ये जानना बहुत यहाँ ज़रूरी होगा, समझना बहुत ज़रूरी होगा। जनरली देखिए, जब बात करते हैं लिटरेचर की पढ़ाई की, तो कुछ लोग टेक्स्ट पढ़ने का बहाना बनाते हैं, आई मीन टेक्स्ट नहीं पढ़ते, उसके लिए एक्सक्यूज़ेस हैं उनके पास। तो कहीं ना कहीं बुरा न लगे, ऐसे लोग कुएं में मेढक के समान हैं। उनको लगता है कि बस लिटरेचर पढ़ने का मतलब बस इतना ही है, जी नहीं। अरे आप टेक्स्ट फिनिश कीजिएगा, उसके बाद आप देखिए ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं पब्लिश हो रहे हैं ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में, तमाम रिसर्चेस हो रहे हैं, आप कितना पढ़ेंगे? आई मीन आप पूरा पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि किस आपके पर्टिकुलर फील्ड में क्या चल रहा है। ये बात मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो नेट वगैरह को भी, आगे नेट वगैरह क्वालिफाई करने के बारे में भी सोचते हों। देखिए क्या है ना, TGT PGT की जब आप तैयारी करेंगे तो आपको एक लिमिटेड सिलेबस में रहना होता है। आप वही ट्रेडिशनल लिटरेचर पढ़ते हैं जिसकी शुरुआत चौसर से होती है और मॉडर्न एरा में आकर के आप एलियट तक जा कर के थम जाते हैं। आप चौसर को पढ़ते हैं, ड्राइडन को पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर पोप को पढ़ते हैं,
डॉक्टर जॉनसन को पढ़ते हैं, मैथ्यू अर्नॉल्ड को पढ़ते हैं, एसटी कॉलेज को पढ़ते हैं, तमाम रोमांटिक पोएट्स को पढ़ते हैं। उधर मैथ्यू अर्नॉल्ड हैं, सॉरी ये रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, आपके लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन हैं, तो उधर थॉमस हार्डी हैं, टी एच लॉरेंस है, टी एस एलियट हैं, उधर जॉर्ज एलियट रहीं, मिसेज गैस्केल हैं, जेन ऑस्टिन हैं। ये कुछ गिने चुने नाम पढ़ लिख करके हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे की नहीं सोच सकते। अगर उसके आगे की सोचना है तो आपको ये भी जानना होगा कि करंट में चीज़ें क्या चल रही हैं, करंट में थियोरीज़ क्या चल रही हैं, कौन से नए पब्लिकेशंस हैं, किसको हाल फिलहाल में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला है। केवल नोबेल प्राइज़ तक ही नहीं रहना है सीमित, उसके अलावा आपको ये भी जानना होगा कि फिक्शन में जो बुकर प्राइज़ मिलता है, मैन बुकर प्राइज़ है, वो किसे मिला है, कब मिला है, वो पर्टिकुलर वर्क कौन सा है, उसकी स्टोरी क्या है, उसमें किस चीज़ की बात की गई है। अभी साहित्य अकादमी जो हमारे देश में मिलता है, इंडिया में, वो किसको मिला है इंग्लिश में, और ज्ञानपीठ अभी तक तो नहीं मिलता था, लेकिन अब ज्ञानपीठ भी इंग्लिश में मिल चुका है अमिताभ घोष को, पहला बंदा जिसको इंग्लिश में ज्ञानपीठ मिला है। तो ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो कैसे मालूम होगी? जब आप कॉन्स्टेंटली उन पर वर्क करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, एक फिक्स्ड सिलेबस में बंधे रहेंगे, तो अधिक से अधिक टीजीटी पीजीटी टीचर ही बन सकते हैं। अगर उससे आगे के बारे में सोचना है तो जाननी होंगी चीज़ें, आप उससे भाग नहीं सकते। इंडियन एकेडमिक कम्युनिटी मच क्विकर दैन बिफोर। अब ऑब्वियस है कि हमारी जो एकेडमिक कम्युनिटी है, पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें इसको ईजिली अवेलेबल हो गई हैं, एक्सेस हो गई हैं, एक्सेस कर पाते हैं ये लोग। दिस इन टर्न हैज़ लेड टू पीयर प्रेशर ऑन टीचर्स टू इक्विप देमसेल्व्स विद द लेटेस्ट थियोरेटिकल ओरिएंटेशंस। और जब ये नए बदलाव आए हैं, नई चीज़ें आई हैं, तो टीचर्स से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो नए थियोरेटिकल ओरिएंटेशंस हैं, जो नई थियोरीज़ आ रही हैं, उनसे वो वाकिफ रहें, वो उन चीज़ों को जानें। इवन इफ़ आप अगर पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो भी आपको कूप मंडूक रहने से काम नहीं चलेगा, आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इवन जब मुझे नवोदय पीजीटी का इंटरव्यू देने जाना था, तो हमारे सर ने बताया हमें कि अभी एजुकेशन के फील्ड में क्या नया ट्रेंड है, ये जानना होगा तुमको। इंग्लिश टीचिंग के क्या नए तरीके हैं, ये जानना होगा तुमको। क्या कुछ नए इनोवेशंस हैं, क्या कुछ नए थियोरीज हैं, ये जानना होगा। हम लोग क्या हैं? रटी रटाई पुरानी परंपरा की चीज़ें जो ट्रेडिशनल वे में चली आ रही हैं, बस उसको हम जान लेते हैं, हमें लगता है हमने बहुत कुछ जान लिया। तो हमें जानना होगा कि नए इनोवेशंस क्या हैं हमारे डोमेन में, और अगर हम ये नहीं जानते, अगर हम अपडेट नहीं रहते, तो ऑब्वियस है हम पिछड़ जाएंगे। तो स्पेशली अगर प्रोफेसर्स की बात करें यूनिवर्सिटीज़ में, तो अभी भी कई ऐसे पुराने प्रोफेसर्स हैं जो वो ट्रेडिशनल लिटरेचर पर उनका बहुत अच्छा कमांड है, ट्रेडिशनल थियोरीज, ट्रेडिशनल लिटरेचर। थियोरीज़ की बात जब आप करेंगे, तो वो जिसकी शुरुआत कर लीजिए आप फिलिप सिडनी से, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, उसके आगे आप बढ़ते हैं तो एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी ड्राइडन का है, फिर डॉक्टर जॉनसन का लाइफ्स ऑफ द पोइट्स कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं तो मैथ्यू अर्नॉल्ड का अ स्टडी ऑफ पोएट्री है, फिर पी शैली का डिफेंस ऑफ पोएट्री रहा, टी एस एलियट में आते हैं तो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ लेते हैं। तो बस इतना जानने के बाद लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है, सब कुछ। कहाँ सब कुछ? उसके आगे
मेन चीज़ें तो उसके आगे से शुरू हो रही हैं, जो थियोरीज़ की हम बात करते हैं। इसके पहले तो ये सारी चीज़ें क्रिटिसिज्म रही, जब आप थियोरीज़ में आएंगे उसके पहले और भी चीज़ें, जैसे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म है, आप जो है बात कर सकते हैं उधर, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, फेमिनिज्म है, ओरिएंटलिज्म है, तो डीकंस्ट्रक्शन थियोरी है, सबल्टर्न थियोरी है, पोस्ट कॉलोनियल थियोरीज हैं, तमाम चीज़ें हैं, आप इको क्रिटिसिज्म है, उधर जो एक क्वियर थियोरी है, तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं जानेंगे आप, जो नई नई चीज़ें, जो नए नए थिंकिंग्स, जो नई नई थियोरीज़ आई हैं, तो आप कैसे अपडेटेड होंगे और कैसे आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे, स्पेशली एट द यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक बंधे दायरे से बाहर निकलें और जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो नई थियोरीज़ आ रही हैं, आप उससे वेल एक्नॉलेज्ड रहें, ठीक है। जो तमाम नए आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, नए रिसर्चेस हो रहे हैं, उनसे आप अवेयर रहें। देखिए, ऑब्वियस है, लिटरेचर का दायरा बहुत बड़ा होता है, आप जितना पढ़ लें कम ही है। तो अगर उस फील्ड में रहना है, उस फील्ड में पीक पर जाना है, तो ये करना होगा। सिंस नॉलेज इज पावर, ये बड़ा फेमस फ्रेज है, एट्रीब्यूट किया जाता है फ्रांसिस बेकन को, कि सर फ्रांसिस बेकन का ये फ्रेज है। हालांकि उनके किसी वर्क में, इंग्लिश में तो सिंपली सीधे सीधे मिला नहीं है, लैटिन फ्रेज भी ऐसा कोई नहीं मिला जिसको एग्जैक्टली आप ट्रांसलेट कर सके, नॉलेज इज पावर। हाँ, एक फ्रेज मिला है लैटिन में उन्हीं की राइटिंग में, जिसमें है नॉलेज इट्सेल्फ इज पावर। तो नॉलेज इज़ पावर, ऑब्वियसली नॉलेज आपको तो पावर देती ही है, तो नॉलेज ही पावर है, मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। सिंस नॉलेज इज पावर, इट फॉलोज दैट थियोरी ग्रांट्स इमेंस पावर। तो थियोरी जो है, मतलब लिटरेचर की दुनिया से बाहर आइए, थियोरीज को समझिए। अच्छा देखिए, थियोरीज के आ जाने से क्या हुआ ना, जो लिटरेचर का दायरा है ये बहुत बढ़ गया है। इवन अभी अगर आप नेट के सिलेबस की बात करें, तो कल्चरल थियोरीज बहुत ज़्यादा जो है, अब उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स परेशान हो गए कि यार ये कल्चरल थियोरी, जब पहली बार नेट ने एग्ज़ाम लिया और ये सारी चीज़ें आई, तो लोग परेशान हो गए। जो चीज़ें वो पढ़ करके जा रहे हैं, तमाम प्रमोद कुमार नायर को फिनिश करके जा रहे हैं, हाँ एम ए आर हबीब को फिनिश करके जा रहे हैं, फिर भी पकड़ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। तो जब ये कल्चरल थियोरी जैसे मान लीजिए कि इंट्रोड्यूस हो गई, तो उसमें क्या है, उसके पहले भी, इवन अभी भी आप देखिए, तो लिटरेचर को प्रभावित करने में ह्यूमैनिटीज़ के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, आप सोशियोलॉजी ले लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट्स में जो नई चीज़ें, जो नई सोच निकल करके आई हैं, उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है लिटरेचर को, ठीक है। कार्ल मार्क्स की अगर जैसे बात करें आप, तो क्या कार्ल मार्क्स को किस में पढ़ते हैं आप? आप जो है फिलॉसफी में, थियोरी में पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स को, आप चले जाएंगे इकोनॉमिक्स में कार्ल मार्क्स हैं, आप पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, पॉलिटी में चले जाएंगे, तो आपको कार्ल मार्क्स मिलेंगे। तो है, मतलब कह लीजिए कि इंटर डोमेन या इंटर डिसिप्लिनरी जो स्टडी है, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये जब चीज़ें रहेंगी, तब वो थियोरी आपको पावरफुल बनाएगी। इट फॉलोज दैट थियोरी ग्रांट्स इमेंस पावर टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज। तो इस तरह से थियोरीज, और यही कारण है कि आज की डेट में थियोरीज जानने वाले वालों की एक अलग हायरार्की बन चुकी है। मतलब जिसके थियोरी पर अच्छी कमांड है, उससे लोग उसको लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में यह स्थिति है, जो प्रोफेसर थियोरीज, जैसे कोई एक प्रोफेसर है जो कि ट्रेडिशनल लिटरेचर उसका बहुत अच्छा है, उसको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम है, कई सारे कोटेशंस याद हैं,
तो वो एक अच्छा वक्ता होता ज़रूर है, लेकिन आज का जो स्टूडेंट है, मॉडर्न स्टूडेंट है, उसको वैसा प्रोफेसर चाहिए जिसको थ्योरी पर अच्छी कमांड हो, थ्योरी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और ये थ्योरी जब आप पढ़िएगा ना फिलॉसफी में, तो आप देखिएगा कि कर क्या रहे हैं सब। एक बंदा आकर के बोल रहा है डेकार्ते, आई थिंक देयर फोर आई एम, तो कोई दूसरा बंदा है वो आकर के कह रहा है कि आई एम देयर फोर आई थिंक। तो ये सब यही करते हैं, एक आकर के कोई थियरी रखता है, दूसरा आकर के उसको उलट देता है। बट यस, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस चेंजेस, ठीक है, जानना तो होगा ही। और ऑब्वियस है कि आज के समय में अगर वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर पाना है मॉडर्न स्टूडेंट्स से, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं, स्पेशली नेट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनको चीज़ें मालूम रहती हैं, तो ऑब्वियस है कि जो प्रोफेसर हैं उनको अपने बच्चों से कम ज़्यादा ही मालूम रहना चाहिए, सो दैट उनके जो तमाम तरह के डाउट्स हैं वो उसको क्लियर कर सके, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। अब बात करें अगर पेडागॉगिक चैलेंजेस इन टेले की, मतलब कैसे पढ़ाया जाए, उसके क्या कुछ चैलेंज हैं, लिटरेचर में जो थियोरी हैं कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट, टीचर्स कुड टेक अ मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट स्टैंड ऑन जॉर्ज एलियट्स द मिल ऑन द फ्लॉस। द मिल ऑन द फ्लॉस एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जॉर्ज एलियट का, ठीक है, जिसमें एक भाई बहन की कहानी है। तो कह रहा है कि अब उसको एक आप ट्रेडिशनल वे में जैसे पढ़ते रहे हों, आप उसको हिस्टोरिकल कनेक्शन में भी पढ़ सकते थे, कह रहे हैं उसको भी आप मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट रीडिंग उसकी आप कर सकते हैं। यानी ये कुछ लेंसेज हैं आपके लिए, जो थियोरीज होती है ना, दे वर्क एज लेंसेज थ्रू विच यू कैन सी द लिटरेचर, थ्रू विच यू कैन सी द टेक्स्ट, यू कैन इंटरप्रेट द टेक्स्ट। उसी तरह से कह रहा है कि जेन ऑस्टिन, जो कि डोमेस्टिक नॉवेल के लिए जानी जाती हैं, जेन ऑस्टिन का मैंसफील्ड पार्क कह रहा है, उसकी भी पोस्ट कॉलोनियल और फेमिनिस्ट रीडिंग की जा सकती है। यानी ये अलग अलग थियरीज हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने कल बताया था कि द टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर का 16th century में लिखा गया, पोस्ट कॉलोनियल थियरीज आई 20th century में, 21st century, तो 20th century, तो अब उसको उस एंगल से भी देखा जाता है, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स द फॉर्मुलेशन ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन एमर्जिंग फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एज थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर हैज एडेड येट अनदर प्रॉब्लमेटिक डायमेंशन टू टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। ये जो यूरोप वाले हैं, इन सब का तो अलग ही पकता रहता है, ये तो चाहते ही हैं कि हमेशा दुनिया खुद को अपने उसी लेंस से देखे जिससे वो दिखाना चाहते हैं। तो अभी करंट की सिचुएशन यही है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से जो लिटरेचर निकल रहे हैं, लिटरेरी प्रोडक्शन निकल रहे हैं, उसको इन सबों ने नाम दे रखा है थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर का। तो ये एक अलग डायमेंशन ही जोड़ देता है इंग्लिश स्टडीज़ को समझने का इंडिया में। अगर उसमें आप देखें थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर में पहले क्या क्या टर्म यूज़ होते थे, अभी भी यूज़ किए जाते हैं, इवन उस तरह से अभी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड हैं, कह रहा है कि जैसे कॉमनवेल्थ लिटरेचर, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो आप देखेंगे कि पेपर्स है, न्यू लिटरेचर का पेपर है जिसमें आप देखते हैं कि तमाम जो है इंग्लैंड और अमेरिका के अलावा जो तमाम जगह से इंग्लिश लिटरेचर निकल रहा है उसका, उसको नाम रख दिया गया न्यू लिटरेचर का, जो कि ये 20th century 21st century में चीज़ें लिखी जा रही हैं, जो चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड है। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है, कैनेडियन लिटरेचर है, तो अफ्रीकन लिटरेचर है, न्यू लिटरेचर में पढ़ते हैं आप इन सबों को। उसी तरह से कॉमनवेल्थ लिटरेचर की बात करें, ये सब भी उन्हीं सब का दिया हुआ टर्म है। इवन कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो कॉमनवेल्थ जो टर्म है वो उसी के लिए यूज ही होता है कि वो सारे देश जो कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हों। तो कॉमनवेल्थ लिटरेचर का मतलब यही है,
उन सारे कंट्रीज़ का लिटरेचर जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी रही थी। और यही कारण है कि अमिताभ घोष को जब कॉमनवेल्थ लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि मैं नहीं लूँगा प्राइज़। क्यों? क्योंकि मुझे इस कॉमनवेल्थ वर्ड से प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ें, जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं उनको डिकोड करने की भी ज़रूरत है। द पास्ट फाइव डिकेट्स, इन द फास्ट फाइव डिकेट्स द लेटेस्ट फॉर्मुलेशन ऑफ सच लिटरेचर एज थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर हैज़ टू बी प्लेस्ड इन इट्स पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है कि पहले यानी इन 40-50 सालों के दौरान जो लिटरेचर कभी कॉमनवेल्थ लिटरेचर, कभी न्यू लिटरेचर, कभी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के नाम से जाने जाते थे, अभी उनको थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर कहा जा रहा है, तो इसके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए ये सारी बातें रहीं। कहीं ना कहीं आज के वीडियो को देख करके आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक एनालिसिस की ज़रूरत है। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आपके अंदर वो एनालिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। यू शुड नॉट एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स एज इट इज़ यू नो प्रेजेंटेड बिफोर यू। ठीक है, जैसे फेमिनिस्ट थिंकिंग की अगर हम बात करें तो फेमिनिस्ट थिंकिंग में क्या होता है, जैसे लोग कहते हैं कि अगर महिलाओं कहा जाए कि महिलाएं जो होती हैं वो ज़िंदगी के पहिए, ज़िंदगी की गाड़ी या ज़िंदगी के रथ का दूसरा पहिया होती हैं। तो यहाँ पर बात आती है फेमिनिस्ट थिंकिंग की, तो वो कहती हैं कि हम दूसरा पहिया क्यों, हम पहला पहिया क्यों नहीं। तो अब उस चीज़ को जब कंसिडर करना होगा तो ये कहना होगा कि हाँ, महिला और पुरुष ज़िंदगी के रथ के दो पहिए हैं, उसमें कौन पहला कौन दूसरा इसका कोई झगड़ा करना ही नहीं है, तब जाकर के मामला थोड़ा बैलेंस्ड होगा, अदरवाइज़ ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई चलती ही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से चीज़ों को नए एंगल से देखने की ज़रूरत है। वो पुराने चश्मे जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं उनको हटाने की ज़रूरत है, थीरीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, समझने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत हुआ आज के लिए, धन्यवाद।